सामने आया गलवान का चीनी झूठ। 5 राज्यों में चुनावी गर्मी जोरों पर। दम तोड़ता कोरोना, आबाद होती जिंदगी। वेस्ट इंडीज सीरीज से पहले भारत के क्रिकेटरों को जकड़ा कोरोना ने। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुए संघर्ष का चीनी सच आखिर सामने आ ही गया। चीन ने जहां अपने सैनिकों की मौत का असली आंकड़ा छुपाया, वहीं चालबाज चीन अब करीब 2 साल बाद विंटर ओलंपिक की मशाल थमाकर भारतीय जाबाजों के प्रहार से डरकर भागे कर्नल फाओवा की कायरता का भी महिमा मंडन कर रहा है। एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार द क्लैक्सन्स ने हाल ही में खुलासा किया कि गलवान झड़प के दौरान 38 चीनी सैनिक भागते समय तेज धारा वाली नदी पार करते हुए अंधेरे में डूब गए थे। अर्थात उस समय चीन ने जो आंकड़ा पेश किया उसे 10 गुना ज्यादा नुकसान उसको हुआ था। इस हमले में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमले के लिए स्टील पाइप, लाठी और पत्थरों का इस्तेमाल किया था। इस संख्या के सामने आने के बाद अब इसमें तनिक भी संदेह नहीं रहा कि भारतीय सैनिकों की बहादुरी से डरकर चीनी सैनिकों ने मैदान छोड़ दिया था। इस संघर्ष में भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू समेत 20 सैनिक शहीद हुए थे। 5 राज्यों में चुनावी गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये गर्मी कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां 10 मार्च यानी कि चुनाव परिणाम के बाद गुंडे बदमाशों की गर्मी शांत करने की बात कही है, वहीं AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी इस गर्मी को कयामत तक बने रहने की बात कर रहे हैं। यह गर्मी उस समय और बढ़ गई जब ओवैसी के काफिले पर 2 लोगों ने फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि इस हमले में शामिल युवक हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं और हमले का मकसद वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश माना जा रहा है। दूसरी ओर पश्चिमियों की स्थिति भाजपा के लिए अनुकूल नजर नहीं आ रही। सरधना में दबंग विधायक संगीत सोम भी इस बार मुश्किल में दिख रहे हैं। भाजपा की नजरें पश्चिम से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई के लिए पूर्वांचल पर टिक गई है। यही कारण है कि योगी को गोरखपुर से उतारा गया है, इससे आसपास की सीटें जीतने में मदद मिल सकती है। हालांकि हिंदू मुस्लिम जाति धर्म और गर्मी चर्बी की इस लड़ाई में आम आदमी के मुद्दे पीछे छूटते दिख रहे हैं। इस सबके बीच वेब दुनिया ने यूपी के युवाओं का मन टटोलने की कोशिश की कि आखिर वह किन मुद्दों पर वोट डालेंगे। हर युवा रोजगार हो, हर घर में बिजली हो, पानी हो, सड़क अच्छी हो, हमारी बस यही है। सारी कानूनी प्रक्रियाओं का निस्तारण करके भर्ती में तेजी लाई जा सके, जिससे जो है हमें टाइम से जॉब मिले। क्योंकि जो युवा आज 25 साल का अगर वो 5 साल निकाल देता है कानूनी दाव लेने में, तो वही डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ओवर एज हो जाता है। क्षेत्र का जो विकास करे वो आगे आए, क्योंकि लोग क्षेत्र के विकास के नाम पे पैसा ले लेते हैं। पैसा कहाँ जाता है इसको कोई पता नहीं लग पाता। जो विकास करे वो आगे आए और वो अपना मतदान। कि जो BJP एक ऐसी पार्टी है, ये हम हिंदू भाइयों का उन सबको लेकर चलने का एक मात्र माध्यम है। हर युवा चाहता है कि उसको रोजगार मिले, रोजगार के साधन मुहैया हों, सरकारी नौकरियां फिर से ओपन हों, और ताकि जो युवा है वो बेरोजगारी से बचे और उसको जल्द से जल्द रोजगार मिले। मैं संदीप श्रीवास्तव, वेब दुनिया, अयोध्या। करीब 2 साल से ज्यादा समय तक समूची दुनिया को दहलाने वाला कोरोना वायरस लगता है अब समाप्ति की कगार पर है। विशेषज्ञों की माने तो भारत में कोरोना की तीसरी लहर का पीक गुजर गया है। हालांकि मौत का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। भारत में कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा बढ़कर 5 लाख के पार पहुंच गया है। अभी रोज 1.5 लाख के लगभग मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि अस्पताल पहुंचने वालों की संख्या कम है। दूसरी ओर राज्यों में प्रतिबंध हटना शुरू हो गए हैं। नई गाइडलाइंस के साथ करीब दर्जन भर राज्यों में स्कूल खुल गए हैं। राजधानी दिल्ली में अब रेस्टोरेंट 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। स्कूल, कॉलेज, जिम और स्विमिंग पूल भी खुल जाएंगे। मध्य प्रदेश में विवाह समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की सीमित संख्या से रोक हटा ली गई है। राजस्थान में रात्रिकालीन कर्फ्यू हटा दिया गया है। धार्मिक स्थल एक बार फिर से खुल गए हैं। आने वाले दिनों में बचे कुचे प्रतिबंध भी हटने की संभावना है।
दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप में भी अब भी संक्रमितों की संख्या कम नहीं हो रही। फ्रांस और अमेरिका में 3 लाख के लगभग मामले आ रहे हैं, वहीं जर्मनी में 2 लाख से ज्यादा संक्रमण के केस आ रहे हैं। अमेरिका में तो मरने वालों का दैनिक आंकड़ा भी 3000 के करीब है। हालांकि लोगों को अब भी उम्मीद है कि जल्द ही पूरी दुनिया पहले की तरह और बिना डर के चलने लगेगी। वेस्ट इंडीज सीरीज से भारत के 3 क्रिकेटर शिखर धवन, श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 6 तारीख को होने वाले पहले वनडे में यह टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे। तेज गेंदबाज नवदीप सैनी और अक्षर पटेल को भी कोरोना हो गया है। इसके अलावा टीम के 4 सपोर्ट स्टाफ भी कोरोना संक्रमित है। 3 खिलाड़ियों को कोरोना हो जाने के कारण कप्तान रोहित शर्मा के साथ सलामी बल्लेबाजी का साथी कौन होगा, इस पर सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि उपकप्तान केएल राहुल पहले से ही वनडे से बाहर हो चुके हैं। अब खबरें संक्षेप में। गलवान में भारतीय सैनिकों के हाथों जख्मी कमांडर फाबोआ को विंटर ओलंपिक मशाल थमाने का भारत ने किया विरोध, उद्घाटन और समापन समारोह का बहिष्कार। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की कवायद, होशंगाबाद अब नर्मदापुरम होगा, राजधानी भोपाल को भी भोजपाल करने की तैयारी। कनाडा भाग रहा 4355 करोड़ का घोटालेबाज दलजीत सिंह बल नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया, घर वालों के साथ भागने की फिराक में था। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD Now। आपको प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए, और साथ ही अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। वेब दुनिया पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का महाकवरेज, चुनाव से जुड़ी हर खबर पर रखिए नजर सिर्फ वेब दुनिया के साथ। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।